एस्टेब्लिशमेंट से होता है। अभी इजाजत दीजिए, ये जो ना लौंडा लफाड़ा, मेरा सवाल ये है कि वो जो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से बड़ा काम है, वो लौंडा लफाड़ा है या ये जो किसी बच्चे ने कह दिया कि जी इमरान खान तो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो लौंडा लफाड़ा है? वो जो खलीलुर रहमान रमदे के भाई ने जो एमएनए बनने का ख्वाब देख रहे हो कहा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाओ सीधे जन्नत में जाओगे, तौबा, वो बड़ी उम्र का आदमी वो लौंडा लफाड़ा है या ये लोग लौंडे लफाड़े हैं? मैं मदीन भाई, मरियम बीबी के बारे में फजलुर रहमान की जमात का आदमी कहता है कि मरियम बीबी को देखकर नॉन मुस्लिम लड़कियां मुसलमान हो जाएं, उनको देख के मुझे हया आती है, वो लौंडा लफाड़ा है जो एक बारिश आदमी है, सिंबॉलिकली एक मौलवी जैसी उसकी शख्सियत है, वो लौंडा लफाड़ा है या सोशल मीडिया की बच्चे लौंडे लफाड़े? मैं देखें, आपने सवाल पूछा है, मैं कहता हूं लौंडा लफाड़ा तो शाही कोई नहीं है, ये जहले मुतलक है। इसका स्टार्ट उन्होंने एक वीडियो बनाई और इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्जाम लगा, इमरान खान के कातिल कत्ल की कोशिश करने वाले बंदे ने, उसने भी क्या किया था? उसने कहा था जी ये मजहब की तौहीन करता है, ये पूरा एक हरकत की गई, फितना फितना यहूदी यहूदी। वो आदमी जिसने नामूसे रिसालत का मुकदमा पाकिस्तान में किसी भी आलिम दीन से बेहतर अंदाज में लड़ा और उसी की वजह से इस्लामोफोबिया ये जो दिन मनाया जाता है ये उसी आदमी की वजह से मनाया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। और जब ये दिन अप्रूव हुआ था उस वक्त भी खान साहब के हक में मेरी वीडियो आई थी यहूदी जेंट के बारे में, तो मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इलेक्शन से पहले जो एक इंटरव्यू दिया था पीटीवी को, जब उनसे पूछा गया कि यहूदी जेंट होने का सबूत, उन्होंने कहा सबूत मैं खुद हूं। और मेरे 2017 खान साहब का दौर नहीं था, शायद अब्बासी वजीद। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ, ये वो आम इब्तदाइया है जो मेरी वीडियो में आप देखते हैं, लेकिन ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये वो आम मंजर नहीं है जो हमेशा आपके सामने होता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मेरे और आपके मेहमान हैं। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। तारिक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूं बजाय इसके कि एक दूसरे से बात सुन के हम किसी रिजल्ट पे पहुंचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। नवाजिश, और वो शिकवे जो इससे पहले मैं आपसे कर चुका था रूबरू दूबदू करने का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये कहा कि इंजीनियर साहब आप रॉन्ग नंबर हैं, और ये मैंने उस रॉन्ग नंबर मिर्जा के नतीजे में नहीं कहा था, ये मैंने चूंकि जो मैंने चीजें देखी उसके नतीजे में मैंने अपनी ये राय कायम की थी, और मैं इससे पहले भी जब वो जो आपके खिलाफ पर्चे वगैरह के मामला थे तब भी आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त रब्ता नहीं हुआ था, अब एक दोस्त के जरिए पैगाम मिला, हालांकि मैं भी कोशिश कर रहा था अपनी जगह, और फिर ये पैगाम मिला कि आपने भी कोशिश की, तो बहरहाल हम आमने सामने आ गए हैं और हम बात कर रही हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले हैं वो कैसे ये चीजें करता है। मिर्जा साहब कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे इन मारूजी हालात में जरूर आपसे बात करनी है, क्योंकि ये जो आपका आपका जॉनर आपकी फील्ड आपका मैदान है इल्म का मैदान इल्मे दीनी का मैदान, मैं जो है वो बहुत ही अदना सा तालिबे इल्म होने का भी इसका दावा नहीं कर सकता, आप उसमें जो है जाहिर है कि अपने इल्म की बुनियाद पर एक मर्तबा रखते हैं, मैं शोबे सहाफत का एक बहुत ही अदना सा तालिबे इल्म हूँ। अब कुछ सवालात जो हैं जो खास तौर पर इन हालात में आपसे हैं, और फिर जो भी आप अपनी गुजारिशात अपने अहकामात रखना चाहेंगे वो रखिएगा, तो कुछ चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे आपसे सबसे पहले बात करनी है, तो पहले इमरान रियाज खान, उसके बाद इमरान खान, और ये जो हालात हैं तलत हुसैन साहब मियां नवाज शरीफ साहब, मौजूदा हालात गुज़श्ता कुछ अरसे के हालात, इन पर तरतीब से बात शुरू करते हैं, तो मेरी ये राय है कि इमरान रियाज खान पे सबसे पहले बात शुरू करनी थी, अभी उसको हम कुछ देर पहले लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और एक बार जो है एवन ऐसे करके कहते हुए, और उस एवन के बाद चूंकि आपने बताया कि आपकी कोई आधा घंटा बात हुई, तो उस एवन के बाद वो जो था ना एवन ठीक, ये जो ये है ये आपने उस आधे घंटे की गुफ्तगु में बार बार सुना है, मैंने सुना है, आप दोस्तों ने सुना है, हम उस ड्राइंग रूम में बैठकर हिस्ट्रियों से रोकर आए थे, तो ये हमारी हालत हो चुकी है।
मुझे ये बताइए कि इमरान रियाज जो है उसको हुब्बुल वतनी के कुत्ते ने काटा, ये आपको कब लगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके ऑडियंस को ये बात क्लियर कर दूं कि इनमें से कोई भी मेरी वीडियो ऐसी नहीं है जो इस वक्त के हालात के ऊपर हो। इनमें से एक वीडियो 1.5 साल पुरानी है, जुलाई 2022 की, एक वीडियो अप्रैल 2023 की है, एक मार्च 2023 की है, एक मई 2023 की है, और सबसे जो आखिरी वीडियो है जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो भी अगस्त 2023 की है, जिसमें मैंने पाकिस्तान का झंडा भी लगाया, जिसको बाद लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया कि मैं कोई झंडा, यानी झंडा कोई फौज की इलामत नहीं, हर पाकिस्तानी की इलामत है, और पाकिस्तान फौज ने आजाद नहीं करवाया, एक पॉलिटिशियन ने आजाद करवाया। तो ये झंडा मैं हमेशा से पिछले 10 सालों में अपनी वीडियोस में मार्च के महीने में और अगस्त के महीने में लगाता हूं, लिहाजा इस झंडे का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। शुक्र है वो झंडा लगा था, ये पता चल गया कि इमरान रियाज खान साहब को उन्होंने अक्टूबर में छोड़ा, और ये वीडियो जो है ये अगस्त की थी, और ये इस तरह के वाकयात जो इमरान रियाज के साथ जुल्म किया, जिन लोगों ने, ये अल्लाह ताला के हुजूर जवाब दे होंगे, ये इसके साथ जो ये जुल्म हुआ ये इसके ऊपर मबनी नहीं थी। ये मैंने उस वक्त दर्द का इजहार किया था कि ये जो कुछ इमरान, उसमें मैंने कहा कि वो चीख रहा है कि ये हमें दिखाते थे उस दौरान, वो अभी मंजर-ए-आम से गायब थे, आईजी साहब भी आके कोर्ट में कहते थे हमें नहीं पता, यहाँ पे वकला भी कोई क्लियर नहीं करते थे, हर एक बंदा जिसकी जुबान में जो आ रहा था वो बोल रहा था, कोई कहता था अफगानिस्तान चले गए, कोई कहते हैं मुराद सईद की तरह वो नॉर्दर्न एरिया में चले गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आए, लेकिन जो उनकी हालत है मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, जब मैंने उस बंदे की पहली दफा आवाज सुनी ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, जब पहला उसने जुमला बोला ना मैंने कहा यार ये वो बंदा है, तो बेख्तियार मेरी जुबान से वो चीजें निकली। चलो मैं अब कैमरे पे निकाल देता हूं, जब मैंने पहली दफा उनकी जो आवाज सुनी ना तो मैंने कहा जिन लोगों ने ये जुल्म किया है ना उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत हो, इलाही आमीन। कि ये इल्मी इख्तलाफ का ये रिजल्ट है, कोई अपने बेटे के साथ ये कुछ करेगा जो कुछ इन्होंने ये किया इसके साथ? ठीक है, ये इल्मी इख्तलाफ को आप इस तरीके से आगे लेके जाएंगे, ये जुल्म करेंगे किसी के साथ? इल्मी चीजों का जवाब इल्मी तरीके से देना चाहिए। अच्छा, तो ये मेरी वीडियोस पुरानी थी, ये जो मेरी वीडियो थी पीक ऑर्डिनेंस से मुतालिक उसको भी जोड़ के वो असद तूर और वो साथ मिला के पेश किया गया, ये जुलाई 2022 की 1.5 साल पुरानी वीडियो है, इस 1.5 साल में तो कोई रिएक्शन उस वीडियो पे नहीं आया, वो पूरी बैलेंस गुफ्तगू थी, जब पहली दफा उनको जगह जगह के वो चक्कर लगवा रहे थे, वो पीक ऑर्डिनेंस के चक्कर में एक जगह से निकलते, तो मैंने उस पर कॉमेंट्स दिए थे, ना कि ये कि मैं असद तूर और उस तरह के मामला को कह रहा था, मैं कह रहा था ये सब लोग इसी बुनियाद पर उठाए जाते हैं और पीक ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो कि अभी भी इमरान रियाज खान साहब वो अपने एक ज़हन से समझते हैं कि मैं उसे सपोर्ट करता हूं, ये खैर हमारा इल्मी इख्तलाफ है। बाकी ये जो कुछ अब कुछ हुआ तो इसके ऊपर की मैंने वर्डिंग नहीं दी, मैं जब इनको मई में उठाया गया ना, इकरारुल हसन भाई ने जब इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जिन लोगों ने उठाया था या जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेरे यूट्यूब के उस वक्त 2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर थे, आज तो 2.5 मिलियन है, तो मैंने उस वक्त शेयर करवाया और उसमें टॉप पे कमेंट्स आज भी मेरे नजर आते हैं, और उसमें मैंने लिखा कि ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से बंदे को गायब किया जाए, मैंने बकायदा इसे कंडम किया था, लिहाजा इस चीज के साथ बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो एक मेरी राय थी कि जो लोग भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यूज होते हैं जानबूझ के या अनजाने में, अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट जब उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेती है, चाहे वो इंटेंशनली कर हो रहे हो या अनइंटेंशनली, अल्टीमेटली फिर वो उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं, लेकिन ये जो कुछ हुआ हम इसे बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर कंडेम करते हैं, और ये जो ट्रेंड चले ना, इन ट्रेंड चलने से पहले मुझे इमरान रियाज का फोन आया था, उनके पास वीडियो आ चुकी थी, ट्रेंड तो उससे 2-3 दिन बाद चला, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने फिर उनको क्लैरिफाई किया कि ये वीडियो आपके इस मामले के ऊपर नहीं, ये तो अगस्त की वीडियो है, ये तो आपके लातो वाकया तो अब हमारे सामने है, और उस वक्त की वीडियो मौजूद थी, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया, ये अचानक सोचना चाहिए कि कौन लोग इस तरह की वीडियोस मेरी पुरानी निकाल निकाल के और उसको ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने कोई नया बयानिया ले लिया है, हालांकि मैं पहले जब वो काबे की छत वाला बयान आया था खान साहब के बारे में, उसी में मैंने ये भी कहा था कि खान साहब आपने बड़ा लीडर बनना है तो गिरफ्तारी दें, और बाकी सारी बातें भी जो आज निकाल रहे हैं वो उसी वीडियो के अंदर है, वो अहमद अबू बकर भाई से पूछ सकते हैं आप, तो ये सारी वीडियो उस वक्त थी, लिहाजा ये बिल्कुल क्लियर कर ले मेरी जो उनसे बात, उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसके ऊपर
कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं देनी, उसकी वजह यह है कि मैं जो रिस्पेक्ट करता हूँ वो इससे ज्यादा है कि आपको क्लैरिफाई करें। फिर उन्होंने कहा कि मैं तारिक मीर साहब को भी अफसोस करके हूं, तो मैंने कहा आपने निकलना शुरू कर दिए, कहते हैं हाँ, तो मैंने कहा फिर जब भी आपको मौका मिले आप झेलम अकेडमी आए, जब भी आपको मौका मिले। तो कहने लगे कि मैंने हफ्ते वाले दिन जो है ना वो पिंडी जाना है, एक कर्नल साहब शहीद हुए हैं, तो उनके एक रिलेटिव जो उनके करीबी भाई हैं उनके साथ मेरे पर्सनल ताल्लुकात है, तो मैंने अफसोस के लिए जाना है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, फिर आप वापसी पे झेलम अकेडमी आ जाइए अगर आप जीटी रोड से आए सैटरडे वाले दिन। उनका हाँ ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं पहले कंफर्म करूंगा। लेकिन वो मेरे ख्याल फिर उनका प्रोग्राम नहीं बन सका, वो फिर चकवाल ही चले गए, वो आ ही नहीं सके। तो ये पूरी की पूरी सूरत हाल हुई थी। तो आपने वो जो आपकी वीडियो के साथ क्लिप जोड़ा गया कि जिसमें वो अफसार आलम, असदूर, मसीउल्लाह जान और इवन इन लोगों के साथ जो पेश आया उस पर इमरान खान की हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं, वो भी आपने देख ही लिया। जी जी जी, और वो बात जो मेरी थी ना वो पीका ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट हुई थी, वो आज भी मेरा क्लिप अपलोड है यूट्यूब पे, आप पूरा क्लिप देखें कि बेसिकली पीका ऑर्डिनेंस के विक्टिम बनते हैं सहाफी। तो मैंने कहा कि ये आप सपोर्ट करते थे पीका ऑर्डिनेंस को, वो तो कह रहे हैं मैं आज भी फवाद चौधरी वाला मौकिफ रखता हूँ, मुझे उन्होंने फोन पे कहा है। तो मैंने कहा ये पीका ऑर्डिनेंस वो गले का फंदा है, जो बन गया वो तो शुक्र है अतर मिनल्ला ने उड़ा दिया। मेरी उस वीडियो में भी है कि अतर मिनल्ला अगर ना उड़ाते तो कई साफी जो है वो इस वक्त आप जैसे साफी भी शायद अंदर होते और हम उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे होते। सर वो तो हम अभी कभी भी अंदर हो सकते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। दूसरा, ये जो हालात है, इन हालात में पीका क्या और कोई और कानून क्या? इन हालात में अदालत ये कह रही है अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इन हालात में माएं, बहनें, बेटियां ये कह रही है ना कि हम क्या करें, कहां जाएं, छह छह महीने हो गए चालान पेश नहीं हो रहा है। तो हालात तो पीका हो या सलीका हो कोई और अपना, उसमें लोग फंसे हुए इस वक्त। तो मैं 100% आपके साथ इस बात पे, इस जिस दर्द से आपने ये बात की है, आपकी जुर्रत को सलाम है, मैं आपके साथ हूं। और देखिए मैं 9 मई वाली रात भी और उसके बाद 5 वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूं जिसमें मैंने आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से और प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त थे शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद काकड़ साहब भी, कि अगर आप उन बड़ों को सजा नहीं दे सकते जिनके हाथों यूज होके बाज लोग जज्बाती हुए इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ये तो जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए कि इसके पीछे कौन है 9 मई के। तो ये जो लोग यूज हुए, कुछ लोग बेचारे जियो फेंसिंग में आ गए, उनके केसेस भी नहीं लग रहे और कई तो मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि लाखों रुपए लगा के उनकी जो है वो जमानतें हुई हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना ही नहीं था पीटीआई के साथ भी, उसके बावजूद जियो फेंसिंग में आ गए। तो मैंने उस वक्त भी वीडियोस में कहा था मिर्जा साहब दिहाड़ियां लगाई है पुलिस ने, मेरे एक जानने वाले हैं उनके साथ हुआ, लाहौर में थाने में गए, उनका बच्चा उठा लिया गया 9 मई के मुकदमात के चक्कर में, बाद में उन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं छोड़ते असि। उसके बाद मेरी पंजाबी बहुत बुरी है, मैं बताऊं तो उसको पंजाबी को माफ कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो है वो कुछ देर मिन्नत तरला करके बाहर आ रहे थे तो फिर एक सिपाही भेजा गया उनके पीछे, उसने कहा कि अपने पुत्र नु तुसी ले जाओ, एनू बहुत मारा गया थे। तो उन्होंने कहा कि की करिए, उन्होंने कहा कि जी तुसी एनू ले जाओ 70,000 रुपए ए लगन गए थे फिर एनू छड़ देंगे। ये बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी नहीं हमारे पास तो, हम तो बहुत गरीब है, ये उनसे बातचीत हुई। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर पुलिस वाला खड़ा हुआ बात कर रहा था, अंदर प्लान चीज थी, फिर किसी अंदर मौजूद मजलूम को जो है वो उन्होंने कूट दिया, और जब उसको कूटा उसकी चीखें आई, वालदैन बेचारे कहीं से कर आके 50,000 रुपए लाए और उस रोज बच्चे को लेकर गए। ये तो मेरे जानने वाले के साथ हुआ है, हमारे यहाँ ये तमाम चीजें हमारे यहाँ हो रही है और होंगी आगे भी होंगी। हमारी आखिरत भी इससे जुड़ी हुई है, बाकी सारी चीजें दुनियादारी अपनी जगह, इससे आखिरत जुड़ी हुई है। अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो वो उलमा जो खान साहब के बनी गाला वाले घर में जाके दुआएं करवाते थे, कोई किसी ने बयान नहीं दिया मजलूमीन के लिए। मैं अरशद शरीफ शहीद हुए जब, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आई, उस वक्त भी मैंने ये सारी बातें की। मेरा शुरू से एक मुसलसल एक ही स्टांस है कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। जब खान साहब कहते थे ना हम सेम पेज में हैं, मैं उस वक्त भी कहता था खान साहब ये बात ना करें, कल को इन्होंने आपके साथ भी ये कुछ कर देना है, क्योंकि मैं तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के एंटी बयानियां रखा है, फौज के एंटी नहीं एस्टेब्लिशमेंट के, जो और ये एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ फौज के बड़े नहीं आते हैं, इसमें अदलिया के बड़े भी, ब्यूरोक्रेसी भी, ये सारे लोग जो बीच में यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आए मैं आईजी पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान, उनका माजी जो मेरे सामने है, मैं उन्हें जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा,
मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, एक ट्रू जेंटलमैन है। ये इस वक्त गैर मामूली जो वाकयात हुए हैं ना, 9 मई वाला जो इशू है 99 पे जो सांप काटा, इसके पीछे कौन है नहीं है ये अलग बात, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जिसे खान साहब ने शुरू में तो कहा कि ये रिएक्शन तो होगा, बाद में अगरचे उन्होंने बार बार कंडेम किया है लेकिन वो शुरू वाली स्टेटमेंट उनसे जरा जल्दबाजी में निकल गई। अब खैर उनका स्टांस ये है कि जी मुजरमीन को सजा मिलनी चाहिए, अच्छा स्टांस है। तो डॉक्टर उस्मान साहब तक मैंने अपना मैसेज पहुंचाया, बल्कि आज रात को बाई चांस ही ऐसा हुआ, उनके करीबी ऑफिसर ने मुझे कॉल की, उनका जी डॉक्टर उस्मान साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहे, तो मैंने उनको कहा कि उनको मैसेज दे के आपने मर के अनकरीब अल्लाह के हुजूर पेश होना है, दुनिया की जो पोस्ट है ये आरजी है, अल्लाह को हम जवाब दे हैं, जो लोग बेगुनाह पकड़े हुए हैं उनके केसेस भी नहीं लग रहे, कम अज कम जुडिशरी के सामने तो शनाख्त परेड और ये बाकी मामला हो और केसेस चले, बेचारे वकीलों की फीस नहीं दे सकते यार, इनके लिए कुछ करें, इनके लिए आप वकील मुकर्रर करके फौरन इनको आजाद कराएं। और देखें उन्होंने मुझे कहा कि मेरा भी यही मौकिफ है, हमने भी मरना है, डॉक्टर उस्मान साहब का भी यही मौकिफ है, लेकिन ये 9 मई जो है वो चूंकि एक 9/11 ही ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है पाकिस्तान में, उसकी वजह से हालात गैर मामूली हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई बेगुनाह। मिर्ज़ा साहब कौन सा 9/11? मियां नवाज शरीफ ने जब तैयारा उतार दे नहीं दिया तो 200-250 लोग जो थे वो फ्यूल खत्म होने से थोड़ी देर में मर ना जाते, तो वो आर्मी चीफ पर, उनके साथ मौजूद अफसरान पर, पाकिस्तान के शहरियों पर हमला ना होता तो वो बड़ा था या ये बड़ा था? असल में ना ये वाकया, बाकी सारे वाकया जो हम बताते हैं वो हुए नहीं ना, ये हो गया ना, जब वाकया हो जाता है ना वो बड़ा हो जाता है, वो रोक लिया गया ना, और वो रोका गया वगरना हो जाता। और अगर आप कह रहे हुआ नहीं तो वो जो अल-ज़ुल्फ़िकार वालों ने तैयारा अगवा किया था, कौन सा 9/11? वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डंडे सोटे लेके जजेस के पीछे पहुंच गए थे, हो गया था ना वाकया? ये बिल्कुल गलत हुए हैं जी, हम तो इन सारे वाकयात को गलत समझते हैं, कंडेम करते हैं डंडे की चोट बिल्कुल। और ये जो 9 मई है इसमें एक तो इमरान खान जो था वो तो पहले से गिरफ्तार था, एक बात, दूसरा 9 मई में एक फरीक एस्टैब्लिशमेंट, दूसरी फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, यहां पर एक जानिब जो है कोई मुतालबा नहीं हो रहा आजादाना तहकीकात का, ये लोग कह रहे हैं आजादाना तहकीकात करो, तो ये आजादाना तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कौन सी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन तारिक मदीन साहब मुझे ये बताइए कि एक पॉलिटिकल जमात का मसला था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मेरे खिलाफ ये ट्रेंड चलाना कि मैं उनके हाथों बिक गया हूं या मैं ब्राय फरोख्त हूं या मैं रॉन्ग नंबर हूं, उन वीडियोस की बुनियाद पे जो 1.5 साल 6 महीने 8 महीने पुरानी है, क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं की है? कोई मेरा नया बयान तो आया ही नहीं था सर। वो मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, जब आपने ये कहा ना कि वो जो अब इमरान रियाज से आगे आ जाते हैं वलीउल्लाह वाली बात पे, वो भी 6 महीने पुरानी है सरकार, अप्रैल 2023 की है। इमरान खान का कैरेक्टर नहीं है, और लौंडे लफाड़े वाली बात। हाँ हाँ आप रुक जाएं, ये जो मेरी बात है ना, ये जो इन्होंने ट्रेंड चलाया ना इसके रिस्पांस में आया था, ये पहले का नहीं है मेरा क्लिप, और मैंने उसमें ये भी जेहन में रखे कुरान में आया था कि अगर किसी पे जुल्म होना वो उसके बदले का उतना जुल्म उस पर कर सकता है, ये सूरह अशूरा में है कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है, सूरह निसा में है अल्लाह ताला बुराई के साथ किसी का जिक्र पसंद नहीं करता, बुलंद आवाज करना सवाए उसके कि उस पे जुल्म हुआ, तो मुझ पे ये जुल्म हुआ तो मैंने उसके जवाब में कहा। और ये जहां तक लौंडे लपाड़े वाला मामला है, आप उर्दू, आप तो माशाल्लाह उर्दू स्पीकिंग है, मुझसे बेहतर आपकी उर्दू है, आप उर्दू डिक्शनरी में जाके लौंडे लपाड़े लिखें तो इसके नीचे आएगा बेवकूफ नौजवान लड़के, ये कोई सेक्स के मानों में या नेगेटिव मानों में नहीं आता, यानी इनको आप बच्चे बचूंगड़े कह लें, ये डिक्शनरी का लफ्ज है, यानी ये कोई ऐसा लफ्ज नहीं किसको, और ये आया भी रिस्पॉन्स में है। देखिये जब आप एक बंदे को कहेंगे मौलवी फॉर सेल और मुझे कह रहे हैं जी ISI ने बुला के इसको खरीद लिया, भाई मेरे ऊपर तो 11 FIR है, मेरे वाले साहब के ऊपर FIR है, मैं खुद जमानत पे बैठा हूं, और मैं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त था जब इमरान खान साहब सेम पेज थे, मैं 2014 के बाद से जब वो शुरू हुए कंटेनर वाला इशू, उसके बाद से मैं PTA को छोड़ चुका था, यानी उसकी सपोर्ट PTA की एज ए जमात, खान साहब की जो सपोर्ट है वो मेरी उस वक्त भी थी, आज भी होगी, और किसी गैर मुस्लिम के लिए भी होगी जिसपे तौहीन मजहब का इल्जाम लगे, मैं तौहीन मजहब का जो इल्जाम है ना उस एतबार से बिल्कुल मैं उसी तरीके से बिहेव करता हूँ जिस तरह सेकुलर जमातें बिहेव करती हैं, क्योंकि इस्लाम को मिलाइन कर रहे हैं, लिहाजा ये तो मतलब मेरा ख्याल है, मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा आंधा भी कोई मामला हो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, एटलीस्ट मेरे बारे में ये राय कायम करने से कि मैं बिक गया हूं, मैं कहा, और वो देखें वो जो आदिल राजा साहब हैं उन्होंने कहा कि जिसको ISI वालों ने बुला के टास्क दिया है, यार खान जब निकाला गया था ना मुझे ISPR ने रब्ता किया, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आप फौज के हक में एक बयान दे दें,
मैंने कहा ये मौका अगर मैं बयान देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं पार्टी बनाऊं, तो मैं तो ऑलरेडी ये कहता हूं कि फौज के जरिए या एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जिस तरह 2017 में जो कुछ किया गया, जो अब खान साहब भी मानते हैं, और जो पीडीएम ने 2022 में किया, जो पीडीएम वाले भी ढकी छुपी मान लिया, मान लिया ये माना खाकान अब्बासी साहब ने भी माना। बात ये कि ये दोनों चीजें गलत है, तो मैं कैसे उन लोगों का आलाकार बन सकता हूं जिनका इफेक्टिव, मुझे तो अपनी जॉब से रिटायरमेंट उन लोगों की वजह से लेनी पड़ी है कि जो पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते हैं। तो मैं तो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पे नहीं रहा। हाँ, फौज उससे इमरान खान साहब भी मोहब्बत करते हैं, हमारे बाकी पॉलिटिकल लीडर भी, हम भी एज ए दारा मोहब्बत करते हैं इस एतबार से कि वो हमारे डिफेंस को देख रहे हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से होता है। इजाजत दीजिए, ये जो ना लौंडा लफाड़ा, मेरा सवाल ये है कि वो जो राणा सदाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल हज से बड़ा काम है, वो लौंडा लफाड़ा है या ये जो किसी बच्चे ने कह दिया कि जी इमरान खान तो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो लौंडा लफाड़ा है? वो जो खलीलुर रहमान रमदे के भाई ने जो एमएनए बनने का ख्वाब देख रहे हो, कहा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाओ सीधे जन्नत में जाओगे, तौबा, वो बड़ी उम्र का आदमी, वो लौंडा लफाड़ा है या ये लोग लौंडे लफाड़े हैं? मैं मदीम भाई, मरियम बीबी के बारे में फजलुर रहमान की जमात का आदमी कहता है कि मरियम बीबी को देखकर नॉन मुस्लिम लड़कियां मुसलमान हो जाएं, उनको देख के मुझे हया आती है, वो लौंडा लफाड़ा है जो एक बारिश आदमी है, सिंबॉलिकली एक मौलवी जैसी उसकी शख्सियत है, वो लौंडा लफाड़ा है या सोशल मीडिया की बच्चे लौंडे लफाड़े? मैं देखे, आपने सवाल पूछा है, मैं कहता हूँ लौंडा लफाड़ा तो शाही कोई नहीं है, ये जहल मुतलक है जो इस तरह की बकवासियात कर रहे हैं, और शरी तौर पे ऐसे लोगों को तौबा ना करने पे 80-80 कोड़े लगने चाहिए जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स रिलीजन को एक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे बड़ों का काम है कि इन्हें इंटरवीन करके रोके। देखे, जब ये इसने ये बात की कि जन्नत, वो जन्नती है जो इस्तकबाल करेगा नवाज शरीफ साहब का, तो ये नवाज शरीफ साहब को ऑफिशियली इन चीजों को कंडेम करना चाहिए था। इसी तरीके से जब एक बच्चा कह रहा था कि खुशनसीब माँ बाप जो है वो हजरत अब्दुल्ला और आमना है और उसके बाद खान साहब के माँ बाप है, तो खान साहब को भी ऑफिशियली इसे कंडेम करना चाहिए था। हम यही कहते हैं कि मजहब का तड़का ना लगाएं, ये जो कहते हैं ना कि मजहबी टच बड़ा खतरनाक मामला है। मजहब यकीनन सियासत मजहब का हिस्सा है, लेकिन सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल करना ये काम नहीं होना चाहिए, ये हमेशा होता रहा। और मैं सेकंड करूंगा, ये इसका स्टार्ट नवाज शरीफ साहब ने लिया हुआ है, इसका स्टार्ट उन्होंने एक वीडियो बनाई और इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्जाम लगा, इमरान खान के कत्ल की कोशिश करने वाले बंदे ने, उसने भी क्या किया था, उसने कहा था जी ये मजहब की तौहीन करता है, ये पूरा एक हरकत की गई, फितना यहूदी, वो आदमी जिसने नामूसे रिसालत का मुकदमा पाकिस्तान में किसी भी आलिम दीन से बेहतर अंदाज में लड़ा और उसी की वजह से इस्लामोफोबिया, ये जो दिन मनाया जाता है ये उसी आदमी की वजह से मनाया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। और जब ये दिन अप्रूव हुआ था उस वक्त भी खान साहब के हक में मेरी वीडियो आई थी यहूदी एजेंट के बारे में, तो मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इलेक्शन से पहले जो एक इंटरव्यू दिया था पीटीवी को, जब उनसे पूछा गया कि यहूदी एजेंट होने का सबूत, तो उन्होंने कहा सबूत मैं खुद हूं, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। ये बिल्कुल गलत काम है, और मैं आपको बताऊं ये तोहीन मजहब का इल्जाम फिर इनको खुद भी तो डसता है ना। एहसन इकबाल साहब को भी गोली लगी इस तरीके से, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर भी काम झूठा पड़ा है एक जी हाँ, ये सब कुछ तो इन्हें मजहब वाला जो मामला है ना जी, ये बहुत खतरनाक मामला है, किसी को एक दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से जो पीटीवी यूज हुआ उन दिनों में इस एतबार से कि खान साहब के ऊपर तो इन्हें मजहब के इल्जाम लगाए गए, उसके बाद उनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुई, और वो जिस वक्त अटेम्प्ट हुई थी ये असर और मगरिब के दरमियान जब खबर आई, तो मैंने वो खबर बकायदा शेयर करके अपने YouTube के चैनल की पोस्ट के ऊपर ये कंडेम किया था कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और तोहीन मजहब के नाम के ऊपर हम तो हमेशा, मैं तो खुद विक्टिम हूं, 5 मर्डर अटेम्प्ट मेरे ऊपर तोहीन मजहब के नाम के ऊपर ही हुए हैं। और यकीन करें जब लोग आए हैं उनसे इंटरव्यू किया तो कोई कहता है कि इंजीनियर कादियानी है, कोई कहता है इंजीनियर ने अपना कुरान लिख लिया है, तो मैं तो इफेक्टिव हूं। लिहाजा तोहीन मजहब वाला जो मामला है ना, ये किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है किसी भी वक्त, उसको जो है ना वो पब्लिक के आगे फेंकने के लिए कि लोग इस पर चढ़ दौड़े। बिल्कुल ठीक। एक और आपने जुमला कहा अभी दानिश को उर्दू पॉइंट के लिए इंटरव्यू देते हुए कि वल्गैरिटी सख्ती जबान में हो सकती है, हमारी कौन समझती नहीं है, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। जो इमरान खान ने
मरियम नवाज मेरा नाम ऐसे मतलू वाली बात की थी, ये वल्गैरिटी है, ये नहीं होनी चाहिए। और सलवारें गीली हो जाएंगी, ये भी खान साहब ने कहा, सलवारें गीली, दोनों जुमले जो हैं इमरान खान साहब के गलत हैं, और सिर्फ गलत नहीं है, काबिले मुज़म्मत हैं। मैंने फौरी तौर पे कहा था कि इमरान खान साहब आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन लेकिन आप एक अंदाजा कीजिए, ये जो बदबूदार शख्स, दो नंबर आदमी, घटिया आदमी, गीदड़, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, कब्रिस्तान में औंधे मुंह पड़ा हुआ, अब अगर इमरान खान साहब जवाब में मरियम बीबी को जो कहती है एक आदमी को दो नंबर आदमी, इमरान खान इसी को बोनस का सीधा लगाएं और इमरान खान कहते दो नंबर औरत, क्या होगा? इमरान खान कहते बदबूदार औरत, इमरान खान कहते घटिया औरत, क्या होगा जवाबन, मुझे बताइए। मेरा ख्याल है कि ये जितनी बातें खान साहब के बारे में इन्होंने की है ना, इनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, ये बेहूदगी है और बेशर्मी है। है जी, ये वल्गैरिटी नहीं है जी, है ना, कौन कह रहा नहीं है। लेकिन उस वक्त जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था ना, वो इस हवाले से डिस्कस हो रहा था। और दूसरी बात कि इमरान खान साहब ने रियासत मदीना और इन सारी चीजों का नाम जितना लिया है ना, उसमें हम इमरान खान साहब को, जो मेरी वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुई वो थी अप्रैल 2023 की, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले, जो मैंने अली हमजा को दी थी न्यू टीवी के लिए, उसमें मैंने कहा था खान साहब को हमने कंपेयर नहीं करना जरदारी और नवाज शरीफ के साथ, हम उन्हें एब्सोल्युटली उनकी गुफ्तगू के तनाजुर में देखते हैं, तो वो उसमें हमें कमजोरी पे नजर आते हैं। वो कहते थे मैं प्रोटोकॉल ले लूंगा, 40-40 गाड़ियां तो उनके पीछे भी थी। और इजाजत दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा, यही रुकिएगा, अभी आपने कुछ देर पहले बात करते हुए अपने रिएक्शन की बात की, आप तो उस्ताद हैं, आप अकेडमी चला रहे हैं, आप यूट्यूब पर दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपना शागिर्द रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तबलीग के काम को आगे बढ़ाए, आपको अल्लाह ताला ने चुना इसके लिए, और आगे बढ़ेगी ये काम तबलीग दीन का। लेकिन जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो मौलिम है, मुदर्रिस है, वो रिएक्शन दे सकते हैं, तो मुमकिन है कि इमरान खान जिस पर इतनी बार, और वो टीवी पे बार बार चल रहा था, टीवी चैनल जो है ना वो दिखा रहे थे नंबर ऑफ टाइम्स कि इमरान खान जो है ना मरियम बोलती है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, तो वो कोई 39 बार एक एक स्पीच में इमरान खान होता है, तो इसलिए इमरान खान ने रिएक्शनरी उसमें किया था, गलत किया था, लेकिन वो भी रिएक्शन था। लेकिन मैंने जो रिएक्शन में कहा ना तारिक मतीन भाई, फैसला तो डिक्शनरी करेगी, डिक्शनरी इज ऑलवेज अथॉरिटी, लोंडा लपाड़ा लफ्ज ना तो बेहयाई पे मबनी है, ना सेक्स की तरफ इशारा करता है, बेवकूफ नौजवान लड़के। अगर डिक्शनरी में आप मुझे गलत साबित कर दें तो मैं इस पे माफी भी मांगने के लिए, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब आप रिएक्शन दे सकते हैं तो रिएक्शन इमरान खान भी नहीं, लेकिन वो रिएक्शन रियासत मदीना और उम्मत मुसलमान का लीडर वो वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे, वैसे जितना मर्जी रिएक्शन दे, वो भी कह देता कि भाई मरियम बीबी ये लोडे लपाड़ों वाली गुफ्तगू और बच्चे बचुंगड़ों वाली गुफ्तगू ना करो, अपने वालिद को मेरे मुकाबले पे लेके आओ, मैं तुम्हारी वालिद की उम्र का हूँ, मेरी उम्र का ख्याल रखो, इस तरीके से बात कर लेते। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि लफ्ज बेहतर हो सकते थे, इससे मैं एग्री कर रहा हूँ। दूसरा, किरदार की बात हो रही थी, इमरान खान इज नॉट अ मैन ऑफ कैरेक्टर। जी जी, इमरान खान इज नॉट अ मैन ऑफ कैरेक्टर, जब आप वो जो वलीउल्लाह नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इमरान खान इज नॉट अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये बात कर रही थी। नहीं, ये जो वलीउल्लाह वाली बात थी ना, वो ये थी, वो भी उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है, आप पूरी वीडियो देखें, कि मैंने कहा कि इनके मानने वालों ने इन्हें वलीउल्लाह डिक्लेयर कर दिया है, कि यानी कोई गलती कर ही नहीं सकते, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, कि जो वो कंटेनर पे दावे करते थे ना कि हजरत उमर से अगर कोई पूछ सकता है भरे मजमे में कि आपने कुर्ता कहाँ से सिलवाया, तो प्राइम मिनिस्टर से भी पूछा जा सकता है, और आपको पता है कि तोशा खाना का रिकॉर्ड निकलवाने के लिए वो सहाफी को क्या तकलीफें उठानी पड़ी और किस तरीके से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो सारे मामला चले, वो आपके सामने है। और उसमें सिर्फ मैं खान साहब को सिंगल आउट नहीं कर रहा, खान साहब के तोहफों से बहुत ज्यादा तोहफे जो है वो दूसरे हमारे आर्मी चीफ और पुराने जो थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैं इस एतबार से कह रहा था कि खान साहब से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, जो उन्होंने अपना क्राइटेरिया एक आइडियल खड़ा किया था ना, मैं साइकिल पे जाऊंगा या मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, मैं चार्टर्ड तैयारा नहीं लेके जाऊंगा, वो अपने क्राइटेरिया में फेल हो गए, तो वो उस तरह के वलीउल्लाह इस एतबार से बात हो रही थी। बाकी जो जाती करेक्टर है ना, जाती करेक्टर पे ना तो मैं नवाज शरीफ के जाती करेक्टर पे कोई बात करूंगा, ना इमरान खान के। ये जो वलीउल्लाह वाली टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा था ना, वो नऊज बिल्ला मिन जालिक उन इल्जामात के ऊपर नहीं था जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिस्कस हो रहे हैं, उनकी एक मुबैना बेटी के हवाले से या बाकी उनके निकाह के हवाले से,
ये वलीउल्लाह कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जो उनके पॉलिटिकल डिसीजंस जो वो दावे करते थे कि मैं ये करूंगा उस एतबार से, जाती किरदार में मैंने कभी भी किसी को टच नहीं किया। इंग्लिश में कहते हैं एवरी सिनर और एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो एक तो एब्सोल्युटली पास्ट वाली वो बाजवा साहब वाली बात नहीं कर रहा जो खान साहब ने कहा था मैं प्ले बॉय हार रहा हूं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं पास्ट नहीं मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में खान साहब ने हमें कहा था कि प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल है, प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को जो है प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए। फिर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया वजीर आजम हाउस को, उसमें से कोई भी पढ़ के नहीं निकला। फिर तैयबा गुल वाला जो मसला हुआ, चेयरमैन नैब वाला, ये सब कुछ तो खान साहब के दौर में हुआ ना। खान साहब जो हमें बताते थे ना पास्ट में नहीं प्रेजेंट में, पास्ट की बातें तो बहुत है वो तो छोड़ दे, वो तो जाती किरदार है। मैं पॉलिटिकल किरदार में वो कह रहा हूं कि वो वलीउल्लाह नहीं है, मैंने जाती बात नहीं की, बिल्कुल किसी ने गलत जोड़ा है नऊज़ु बिल्लाह। और मैं आपको कसमिया कह रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे दिमाग में भी उनके किसी जातियात के हवाले से नहीं था। वो जो उनका पॉलिटिकल वो कहते थे ना लीडर को कैसे होना चाहिए, इस एतबार से होना भी नहीं चाहिए, वरना पास हमारे यहाँ सबका है और यकीनन बहुत सी चीजें सबकी है। अच्छा तारिक भाई मुझे एक बात बताए, ये मेरी क्लैरिफिकेशन के बाद कि मेरी ये वीडियोस पुरानी थी, मैं फॉर सेल या मैं रॉन्ग नंबर हूँ, मुझे ये बता दें आप। नहीं नहीं देखिए मैं आपको फॉर सेल तो मैंने खैर कतन नहीं कहा, मैंने खुद सोशल मीडिया पे कहा, जिन लोगों ने कहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बकौल मंसूर अली खान के लौंडे लबाड़ों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। जिन लोगों ने बगैर तहकीक के मेरे बारे में मेरी पुरानी वीडियोस और ये कह रहे हैं मैंने स्टांस चेंज कर दिया, यार मैं तो आज भी सबको कह रहा हूँ उसी वीडियो में कह रहा हूँ। अच्छा देखे वो जिसमें लौंडे लबाड़े वाला मैंने रिस्पॉन्स किया ना हार्श रिस्पॉन्स, उसके एंड पे भी मुझे वो पीटीआई के भाई हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा वोट किसको डालेंगे, मैंने कहा खान साहब अगर वोट को इज्जत दो के बयानिए पे रहे तो 2024 में मैं वोट भी खान को डालूंगा। मैं उस इतने रिएक्शन में भी मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से एकदम के लिए तो आपने तो उस वक्त भी बाकियों को अंधा और खान को काना ही कहा है ना, खान बाकियों से बेहतर है ये तो आपने उसी वक्त बता दिया है। दूसरा मैं आपसे एक बात, लोग ये कह रहे हैं कि मैंने शायद कोई ट्रोलिंग की वजह से किया, ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा ये स्टांस है। और दूसरा मुझे बताएं, मुझे ट्रोलिंग का मसला इसलिए नहीं है कि मेरे तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो कोई मेरे पॉलिटिकल जमात के स्टूडेंट नहीं है, वो मेरे किसी ट्रोल होने की वजह से या मेरा कोई बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुराना चलाने की वजह से उन्होंने कुरान और सुन्नत को मानना तो नहीं छोड़ना। मैं तो खुद उनकी तरह अपनी आखिरत की फिक्र में हूं, वो तो अल्लाह, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस वक्त फर्क नहीं पड़ा। खान साहब के दौर में मेरे घर पे 2017 में रेड हुआ और मेरे 2017 खान साहब का दौर नहीं था, शायद खान अब्बासी वजीर आजम खान साहब के दौर के अंदर मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ी 2017 में, खान साहब का दौर नहीं था, शायद खान अब्बासी गालबन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। उस दौर में मेरे ऊपर रेड हुआ इस वजह से कि जी मेरे कोई ताल्लुकात हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, एक गलत रिपोर्टिंग के ऊपर। फिर वो केस हाईकोर्ट में चला जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में, एक डेढ़ साल तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकी। अल्टीमेटली सिद्दीकी साहब भी चले गए, फिर वो अतर मिनल्ला साहब की अदालत में लगा करते करते, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों से मुकदमा फंसा हुआ है। फिर खान साहब के दौर के अंदर मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा, खान साहब को भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी, सब लोगों को भी, कि भाई मेरे ऊपर आप लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया है जिसकी वजह से मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ रही है, खुदा के लिए मुझे मतलब कहीं प्रोड्यूस करें। अल्टीमेटली 2020 के अंदर जाके मेरी एक हियरिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने खुद मान लिया कि जी हाँ ये इल्जामात ऐसे लगे थे, लेकिन आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का एक मिजाज है, वो गलती अलहदगी में तो मानते हैं लेकिन ओपनली नहीं मानते। फिर अल्टीमेटली मुझे यानी रिटायरमेंट लेनी पड़ गई, तो मेरे जीन्स के अंदर ये मौजूद है कि किस तरीके से बाज़ुकात इन लोगों की मिसहैंडलिंग की वजह से लोगों के साथ ज्यादती होती है। तो मेरे बारे में कोई गुमान भी ना करे कि मैं कभी उनका आलाकार बनूंगा जिनकी वजह से मैं हमेशा से इफेक्टिव हूं। हाँ को पॉलिटिकल लीडर वक्त तौर पर मान सकता है, मुझे कोई जरूरत नहीं। कंक्लूड करते हो इसको, फिर अगर आप कुछ पूछना चाहिए तो जरूर। मैं आपसे अर्ज करूंगी, जो आप कहते ना कि आपके बारे में सोशल मीडिया पर, तो देखिए सोशल मीडिया जो है ना उसको आप अपनी बात कहने के लिए तो रखिए, वहां पर पालतू सहाफी हो, लौंडे लपाड़े हो या ट्रॉल्स हो, उनकी बात को सीरियस कभी मत लीजिएगा। इसलिए कि मैं अपने भाई के लिए जब उसका मर्डर हुआ ना यहाँ कराची में 2022 18 फरवरी को, और सड़क पर वो किसी और को लुटने से बचा रहा था, बंदे स्नैचिंग कर रहे थे तो उसको गोली मारी, यहां लगी,
उसकी शहादत हो गई और वो किसी और को लुटने से बचा रहा था। तो तब उसके पास एक पुरानी बहुत खटारा सी मेहरान थी, वो अब भी नॉर्थ रणनौर थाने के बाहर केस प्रॉपर्टी के तौर पे खड़ी हुई है, जिसके टायर वाइट सब गायब हो चुके, वो अभी भी बाहर खड़ी हुई है और वो किराए के घर में रहता है। 1,00,000 रुपए की तनख्वाह हो किसी की, 22,000 रुपए घर का किराया, बच्चियां प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो, उस शख्स के पास क्या जायदाद होगी। मुझ पर नून लीग की एक फारिग सी औरत ने भी और इन तमाम नून लीग की पालतुओं ने भी ये इल्जाम लगाया कि अपने भाई को मैंने मरवाया है। तो ये जो सोशल मीडिया पर बातें होती है ना, इनको तो संजीदा मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। आप अपना काम जो कर रहे हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो बेहतरीन काम जारी रखिए, वगरना सोशल मीडिया आपको खुदा ना खास्ता कासिम अली शाह ना बना दे। जी नहीं, मैं उसमें कभी भी डिसाइड नहीं होता हूं, लेकिन मैं जिम्मेदार साफी जिनको मैं एक हायर मॉरल ग्राउंड पे समझ रहा होता हूं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मेरे बारे में कोई राय कायम करने से पहले मुझसे पूछ तो लेना कि बात ऐसे है या नहीं है। अब देखिए, सदीक जान साहब से मेरा कोई रब्ता नहीं है, वो सारी वो ट्वीट उन्होंने की, अब वो ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दी है। जाहिर है हमने उनसे बाद में रब्ता किया कि भाई, और मैं आपको बताऊं, खुद तहरीके इंसाफ के जो लहर विंग्स के हेड हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया उसी रात। उनका इंजीनियर साहब, इन सबको हम नोटिस भिजवाते हैं जो लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो मैंने कहा यार, ये मैं काम करूंगा तो मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं एक एक साफी से रब्ता करूंगा और मैं उसे कहूंगा ट्रैक मुझसे पूछो, मेरे से बात करो, मैं जवाब दूंगा, ये मैंने काम नहीं करना। खैर, अपने तौर पे लोगों ने ट्वीट्स डिलीट की, बाद लोगों ने अपने, अब ये सौराब भाई ने मुझे कहा आप मुझे हुक्म करें मैं वीडियो डिलीट कर दूं, मैंने कहा नहीं, आप मेरा इंटरव्यू कर लें, बजाय ये कि आप जो ऐसे डिलीट करें, आप मेरे मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैं नहीं कहता आप उसको डिलीट करें, ना किसी से कहूंगा, आप यानी इस चीज को मुझसे क्लैरिफाई कर लें कि ये ऐसा हुआ था, ये वीडियो नई है या पुरानी है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत से सवाल आपके जवाब जो मुझे चाहिए थे मिले, नाज़रीन को भी मिले होंगे, इंशाल्लाह रहेगा, बहुत जजाकल्लाह खैरा।